बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। ये आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसमें हमारे इसको यहां तक पहुंचाने में हमारे साथ तआवुन किया है फिज कलीम चैनल वालों ने। फिज कलीम जो चैनल है वो हमारी बहन है यूएई से, उनका व्लॉगिंग का चैनल है। वो वहाँ की डेली रूटीन के हवाले से, रेस्टोरेंट पे जो भी वहाँ पे फूड तैयार होता है उसके हवाले से, और सैर व तफरी के हवाले से जो मकामात है वहाँ का विजिट करवाती हैं। उनका चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे फिज कलीम के नाम से। मैं आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि उनके चैनल पर जाएँ, उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। उनके जो चैनल का लिंक है वो आई बटन में भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। ये बात आप तसल्ली से देखें ताकि आप उनको वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिल सकता है और बहुत कुछ आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका आपको पता चल गया होगा टमाटर देख के कि मैं आज आपके साथ किस चीज की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त रेसिपी, बहुत कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, कमर्शियल रेसिपियां जिस तरीके से मैं आपके साथ लेके हाजिर होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। और इस बेरोजगारी के खात्मे के लिए जो हमने कदम उठाया हुआ है, अल्लाह ताला आप लोगों की दुआ से उसमें हमें कामयाब करता रहा है। आप लोगों की इसी तरीके से मेरे साथ सपोर्ट रही, हमारे चैनल के साथ सपोर्ट रही, इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि बेरोजगारी का काफी हद तक हम खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे। देखें आप इसके टमाटो कैचअप की तरफ आते हैं। ये मेरे पास 3 किलो टमाटर है, ये 3 किलो मैंने टमाटर ले लिए। अच्छा, अब एक मसला और आ जाता है भाई, टमाटर लाल ले लो, पीले ले लो, काले ले लो, भाई कोई भी ले लो तुझे टमाटर। 3 किलो टमाटर ले लिए, फार्मूला बता रहा हूँ। ये देखें इसके यहाँ से जो है ना, ये चीज मैं इसकी यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ। ये ऐसे, ये देखें, ये सिंपल, ये जिसके ऊपर ये निशानी है, जिसके ऊपर ये पत्ते होते हैं टमाटर के साथ, ये फार्म से टमाटर आता है, फार्म से। और जिसके ऊपर ये नहीं होते, इस तरह का होता है, वो देसी टमाटर होता है। कोशिश कीजिए कि फार्म का टमाटर इस्तेमाल कीजिए आप। ये इस तरीके से मैं इनका ये यहां से ये रिमूव कर लूं सब के टमाटरों के, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये ले व्यूअर, ये मैंने इसको 3 किलो टमाटर का फार्मूला आपको बता रहा हूँ, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 6 किलो की बनानी है, इन्हीं चीजों को डबल कर लीजिए। अगर 1.5 किलो की बनानी है, इन्हीं को कम कर लीजिए। ये मैंने आपको बात बता दी, पूरी बात तफसील से सुना करें, तवज्जो से सुना करें। इस तरह 4-4 टुकड़े कर लें, प्रेशर कुकर में डालते रहें। ये देखें इस तरह उठाएं, इस तरह 4-4 टुकड़े इसके करते रहें टमाटर के, और इसको प्रेशर कुकर में डालते रहें। ये देखें इस तरीके से, ये मैं सारे जो है ना 4 किलो इस तरह काट लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। 3 किलो सॉरी। जी हमारे एक भाई हैं, उनका कमेंट आया हुआ था कि चूल्हा नया खरीद लें, ये हमने उनकी फरमाइश पूरी कर दी, चूल्हा मेरे भाइयों नवा खरीद लिया बाबे ने। और दोस्तों ये ले लिए मैंने टमाटर, प्रेशर कुकर में डाल दिए, 1/2 किलो पानी इसमें शामिल कर दें, 1/2 टेबल स्पून नमक का इसमें शामिल कर दें, मेरी बात को तवज्जो से सुना करें, 1/2 कप सिरके का या 60 ग्राम सिरका या 1/2 कप सिरका ये शामिल कर दें, ये इसमें शामिल कर दिया मैंने। ये चीजें शामिल करके ये 4 से 5 अदद ये गुलियां जो है ना लहसुन की, ये शामिल कर दें, इससे ज्यादा ना डालिएगा क्योंकि गार्लिक सास अलग और रेसिपी से बनती है, चिल्ली गार्लिक और रेसिपी से बनती है, स्वीट सास और रेसिपी से बनती है, ये सिर्फ इसका टच है। 4 से 5 गुलियां इसमें शामिल कर दें और इसको ये प्रेशर कुकर का ढक्कन दे दें, ये ऐसे वेट इसके ऊपर लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इसको, फ्लेम मेरा हाई है, जब इसकी विसल चलनी शुरू होगी उसके बाद मैं 8 मिनट गिनूंगा। अभी तक इसका मैंने फ्लेम हाई रखना है, फिर मैं इसका फ्लेम मीडियम कर दूंगा और 8 मिनट इसकी विसल को चलने दूंगा। 8 मिनट के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ।
जी व्यूअर, ये मैंने इसको 8 मिनट प्रेशर कुकर में मीडियम फ्लेम पे चलाया, उसके बाद मैंने इसका वेट नहीं उठाया, मैंने इसका वेट ऊपर ही रहने दिया। जब इसकी गैस अच्छे तरीके से जो है ना इसकी स्टीम निकल गई, फिर मैंने इसको अभी आपके सामने खोलने लगा हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसकी कंडीशन देख लें, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें ये बिल्कुल इस कंडीशन में आ गए हैं, ये देखें बिल्कुल ये गल चुके हैं। अब मैं इसको इस बर्तन में शिफ्ट करने लगा हूँ ठंडा करने के लिए। मैंने इसको इसका बर्तन इसलिए चेंज किया कि हमने इसको पहले ठंडा करना है, ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, ये ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद मैंने इसको ग्राइंड करना है, जूसर वाले जग में डाल के इसको ग्राइंड करना है। मैंने आपको पहले कई दफा बताया, मेरी गल्ला तवज्जो नाल सुन लिया करो। एक तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग कमर्शियल लेवल पे काम शुरू करना चाहते हैं, इसकी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे मैं वो भी नहीं बता पाता। मैंने आपको कई दफा बताया, वो नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मौजूद है, वो पर्सनल रब्ता कर लें, जो लोग फैक्ट्री लगा के बड़ा बड़े लेवल पे कारोबार अपना शुरू करना चाहते हैं। और जो फिज क्लीम के नाम से UAE से मेरी बहन का चैनल है, मैंने पहले आपको बताया, उसको विजिट करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, उनके बेल आइकन के बटन को दबा दें। अब मैं इसको ग्राइंड करने लगा हूँ, ये देखें इसको इस तरह डालते रहें। इहदे विच प्याज नहीं जाएगी मेरे भाईओ, इहदे विच अदरक नहीं जाएगा, जेड़ा कुछ मैं पा दिता बस यही कुछ ही जाना है इहदे विच। इसको मैं इस तरह जग में डाल लूं, ये देखे इसको अच्छे तरीके से, मशीनें ना थकने वाली मशीन है, हैवी मशीनरी लो, कमर्शियल लेवल पे आप टेंशन ना लिया करें इसके साथ के। जिस दोस्त को मशीन की जरूरत है, बनवाना चाहता है, वो भी रब्ता कर सकते हैं। ये स्टेनर ले लिया इसके साथ का, बर्तन ले लिया, इसमें डालते रहें ताकि हमें जो है ना हमने इसको अच्छे तरीके से छानना है। छानने के बाद हमने इसके जो पल्प वगैरह हैं, ये टमाटर का जो है ना हमें पल्प चाहिए, टमाटर के बीज वगैरह छिलके वगैरह ये हमारे पास हमें नहीं चाहिए। ये देखें ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे, ये देखें ये देखें इस तरीके से, और ये फ्यूरी जो हमारे पास हमें जो चाहिए ये इस तरीके से आ जाएगी, ये इस तरीके से। ये मैं सारा प्रोसेस इसी तरीके से गुजार लू अच्छे तरीके से, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये 30 से 40 सेकेंड या 45 सेकेंड लगते हैं, मैं इसको जूसर वाले जग से निकालता आ रहा हूँ, इसमें डालता आ रहा हूँ। ये देखें ये रेसिपियाँ तो आपको कोई नहीं दसेगा, तो उसे सर्च कर लो यूट्यूब पे, किसी ने जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ किसी ने आपको बताया हुआ है, नहीं बता रखा होगा अल्लाह के हुक्म से। देख लें आप, ये इस तरीके से इसको ये कर लें, ये बीज हमारे पास आ जाएंगे, हमें टमाटर के बीज वगैरह नहीं चाहिए। आप इसको अलग रख के जो है ना सालन वगैरह में इस्तेमाल करें, कहीं करें, वेस्ट कर दें, जो भी करें। ये देखें इस तरीके से ये हमारे पास बहुत प्यारी जो है ना फ्यूरी आ गई। फ्यूरी की जो रेसिपी है जो टमाटरों की, वो एक अलग से है रेसिपी, चिली गार्लिक वाली जो है वो एक अलग से है। ये तमाम रेसिपी हैं अलग अलग से हैं, ये मेरे पास ध्यान में रखा करें। इसको मैं इसको साफ कर लूँ पतीले को, ये इसमें मैंने शिफ्ट करना है।
ये ले व्यूअर, ये इसको उठाएं, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, इसके ऊपर चढ़ा दें। ये इस तरह पतीला थोड़ा सा आपका इस तरह बड़ा होना चाहिए ताकि ये जब पकेंगे इसके बबल्स वगैरह बाहर आते हैं आपके हाथों वगैरह पे ना गिर जाएंगे, एहतियात कीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से देखें क्या कलर आया है इसका, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा ओरिजिनल होगा। आप 3 किलो का बनाएं, 6 किलो का बनाएं, 10 किलो तक इस रेसिपी से आप बना सकते हैं या बना सकती हैं, लेकिन उससे बड़े लेवल पे वो किस तरीके से बनेगा वो फिर अलग से मैं आपको उसकी रेसिपी है, हाई लेवल की कमर्शियल रेसिपी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो है ना इसको अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले और ये पकना शुरू हो गया है। इस टाइम पे आके ये मेरे पास 300 ग्राम चीनी है, 1 किलो टमाटर का बना रहे हैं तो 100 ग्राम चीनी जाएगी, 300 ग्राम चीनी शामिल कर दें। 1.5 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, सुरख मिर्चें पीसी हुई, मकसद है कि 1 किलो पे 1/2 टेबल स्पून जाएगा, ये शामिल कर दें। ये मेरे पास बेंजोवेट है, 1/2 टीस्पून बेंजोवेट पाउडर, बेंजोवेट ऑक्साइड, ये शामिल कर दें, 1/2 टीस्पून है ये, इससे ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा। ये ले जी, ये 1/2 टीस्पून बेंजोवेट ये शामिल कर दें इसके अंदर। अब मैंने बेंजोवेट क्यों शामिल किया, देखें अगर आप सिरका शामिल करेंगे अकेला तो आप उसको 1 महीने तक यूज कर सकते हैं कैचअप को फ्रिज में रख के। अगर आप सिरके के साथ टाटरी इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको 1.5 से 2 माह चला सकती हैं। बेंजोवेट जो पाउडर मैंने इसमें शामिल किया ये शामिल हो जाएगा इसमें तो फिर इसकी लाइफ टाइम 6 माह से भी ज्यादा हो जाएगी। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और बेंजोवेट जो है ना इसको खराब होने से बचाता है और इसकी इसको सेव रखता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये 1 टीस्पून सीएमसी पाउडर, ये मार्केट से सीएमसी पाउडर के नाम से मिल जाता है, 1 टीस्पून है ये, इससे ज्यादा ना डालिएगा। जिस तरीके से मैं बताता हूँ आपको ये केमिकल पाउडर फार्म में जो है इनका इस्तेमाल इसी तरीके से कीजिएगा। ये सीएमसी पाउडर 1 टीस्पून ये शामिल कर दें, ये दिखा दो रमेश थोड़ा सा। ये शामिल कर दें, ये ले, ये मेरे पास टाटरी है 1 चुटकी, ये देखें ये इसमें शामिल कर दें, बस ये इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से पकने दें। इसको मैं 2 से 3 मिनट पका लूं मजीद, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये ले वेवर, ये मेरे पास जैंथम गम है, जैंथम गम के नाम से ये मार्केट से ये पाउडर मिल जाता है। अब ये जैंथम गम क्या चीज है ये मैं आपको बता देता हूँ पहले, ये इसके अंदर कितना शामिल होगा ये भी बता देता हूँ पहले। मैं आपको यहाँ पे तजर्बा करके दिखाता हूँ कि जैंथम गम आखिर है क्या चीज, ये किस काम आता है ये मैं आपको बता दूं। ये मैंने ये तजर्बा कर रहा हूँ, ये इधर नहीं दब देना, ये तजर्बे के लिए आपको समझा रहा हूँ। इसके ऊपर जूसर वाला जग रख दें, इसके अंदर ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला आपको बताने के लिए सिर्फ, ये देखें ये पानी डाला मैंने तकरीबन इसके अंदर डाल दिया मैंने, ये पानी डाल दिया 1/2 किलो। ये इसके ऊपर जग ये रख दें, इसका छोटे वाला ढक्कन जो है ये उतार दें ऊपर से, ये देखें रामेश दिखा रहे हो, अब रख दिया आपने, अब मैंने ये इसको ऑन करने लगा हूँ, ये देखें अगर दिखा सकूं तो ये क्या चीज निकली है बनके, ये देखें ये देखें ये जैंथम गम है जो ये वो है, ये चीज निकल गया है, समझ गए मेरी बात। इहदे विच कॉर्नफ्लोर नहीं दब देना, मैदा नहीं दब देना, ऐसे नहीं होता ये चीज।
इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जिस बंदे ने फैक्ट्रियों के लेवल पे काम करना है वो राबता कर लें। कुछ मामलात होते हैं, कुछ वजूहात होती हैं, मुझ पर भी कुछ पाबंदियां होती हैं, मैं हर चीज यहाँ पे आपको आपसे डिस्कस नहीं कर सकता केमिकल्स को लेके। ये चीज हमारे पास बन के आ गई है, देखें हेलो हेलो यह चीज आगे बन के गल नू समझ लिया करो मेरी, मैं की पेट रहे हैं। ये चीज आगे बन के इसको साइड करते हैं। अभी देखें व्यूअर, ये जो कलर है वैसे तो हमारा कलर ये आ गया है, घर में जो लोग इस्तेमाल करते हैं या बनाना चाहते हैं ये आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने मार्केट का टच देने के लिए मार्केट जैसा हमारे पास बन के है इसमें कलर जाएगा, फूड कलर, रेड फूड कलर है मेरे पास। मैं ये थोड़ा सा इसमें डाल के, इसमें पानी डाल के मिक्स कर रहा हूँ। आप भी इस तरह कीजिएगा, ऐसा ऐसा आपने इसके अंदर मिक्स करना है जितना कलर आपको पसंद आए, बगैर पानी से आपने इसके अंदर डायरेक्ट कलर शामिल नहीं करना, ये चीज़ें ध्यान में रख लिया करें। ये रेड कलर है मेरे पास, इसके असेंस वगैरह भी मिलते हैं जो लोग कमर्शियल करना काम करना चाहते हैं, कैचअप असेंस होता है और फ्लेवरिंग होती है इसके, कलर अलग से होते हैं, वो सब कुछ फिर मैं जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें बता दूंगा। इस टाइम पे आके थोड़ा थोड़ा करके इसको चेक करें, ये थोड़ा सा डालें, ये देखें जितना कलर आपको चाहिए होगा उतना हम इसका रखेंगे रेड कलर। ये थोड़ा सा और डालें, ये देखें, ये देखें, ये बहुत प्यारा जो है ना फार्म में आता जा रहा है, ये देखें, ये देखें, ये डालें, ये देखें। अभी मुझे कलर इसका कम लग रहा है, मैं इसके अंदर कलर और डालूंगा, इसको मैंने थोड़ा सा रेड की तरफ लेके जाना है, ये अभी थोड़ा रेड की तरफ नहीं जा रहा, ये देखें। फिर थोड़ा सा कलर ले लें, आपको जितना कलर पसंद हो आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ना भी डालना चाहे तो आप मत डालें, लेकिन ये जो है ना इसका कलर अच्छा होगा तो ये ओरिजिनल की तरफ जाएगा बिल्कुल। ये देखें, ये तकरीबन मैंने यूं समझेंगे दो चुटकी कलर था जो मैंने इसको लगाया, ये देखें, ये मेरे पास इसके तरह का ये इसका कलर बिल्कुल आना शुरू हो गया है। अब ये जो मैंने आपको ये गम बताई थी इसको मैंने बना दिया, ये मैंने आपको एक तजर्बा करके बताया था, ये भी इसी तरीके से है, ये सारी इसमें नहीं जाएगी, ये नहीं कि सारी डाल दें तो ये बहुत ठीक हो जाएगा। ये क्या काम करता है, ये जो कुछ भी हमने टमाटो कैचअप के अंदर शामिल किया इसके अंदर चीनी मिर्चें वगैरह, ये एक तो उसको जाके यकजान कर लेता है, ये यकजान कर लेगा और ये बिल्कुल उसकी थिकनेस को बरकरार रखेगा, लाइफ टाइम तक उसकी थिकनेस को बरकरार रखेगा और हर चीजों को एक जगह पे यकजान करके एक अच्छा सा आपको स्मूथ सा कैचअप देगा। इस टाइम पे आके ये पक रहा है अभी, ये थोड़ा सा उठाएं इसके अंदर शामिल कर दें, ये थोड़ा सा फौरन हिला दें इसको, इस तरह इस तरीके से इसको हिलाते रहें, इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये बिल्कुल हमें थिकनेस मिल जाएगी इसकी जबरदस्त किस्म की, ये देखिए। ये नहीं व्यूअर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन 14 से 15 मिनट इसको मैं पकाता रहा हूँ इस तरीके से, और जो जो चीज़ें डालता रहा हूँ उसी प्रोसेस से। जो जैंथम गम आपने डालनी है वो 1 टीस्पून इसमें डली है, 3 किलो के फार्मूले में 1 टीस्पून जाएगी। ये देखें इस तरह की इसकी धात है, अभी ये गर्म है, ये देखें इस तरह का कलर है इसका, ये धार है इसकी इस तरह, ये देखें इस तरह का आपका होना चाहिए, इस तरह का, इस तरह का, इसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं, फ्लेम को बंद कर दें, फ्लेम को बंद कर दिया। अब मैं इसको ठंडा करने के बाद भी ये गाढ़ा होगा, ये बात मेरे ध्यान में रखा करें। इसको अब मैं ये बड़े जो पैन में ठंडा करने के लिए जो है ना इसको चेंज करने लगा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ इसमें, ये देखें, ये देखें। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है मेरे भाइयों, इसको बनाएं, घर में बनाएं, कारोबार करें, बिजनेस करें। जो चिल्ली सास जो बनती है, चिल्ली कैचअप, गार्लिक कैचअप, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे जो है ना जरूर शेयर करूंगा। जितने भी ये कैचअप की वैरायटी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठंडा होने के बाद जो है ना ये मजीद देखेंगे, देखें ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये देखें
ये ठंडा होने के बाद मजीद थोड़ी सी थिकनेस में आ जाएगी, ओरिजिनल बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये कैचअप मिलेगा जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में है ये कैचअप कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ओरिजिनल होगा। आप इसको फास्ट फूड के आइटम के साथ इस्तेमाल करें, घर में बच्चों को दें, समोसे के साथ रमजान शरीफ में इस्तेमाल करें। आपको मैंने ये तमाम तरीकाकार बता दिया, अब आप इसको यूज करें, कारोबार करें और इसको आजमाएं। ये लें व्यूअर, ये देखें, इसको मैंने ठंडा कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसकी आप थिकनेस देख लें, इसकी इसकी कलर देख लें। आप जो भी मेरी माएँ बहनें खवातीन भाई मुझे सुन रहे हैं, वो घर से होममेड कैचअप के नाम से, घर का बना हुआ तैयार शुदा कैचअप के नाम से अपना बिजनेस शुरू करें। ये 2 साल खराब नहीं होता, 2 साल से भी ज्यादा, जिस फार्मूले से मैंने आपको बता दिया, फ्रिज से बाहर। अब इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, 2 साल 2.5 साल 3 साल तक ये खराब नहीं होगा इस कंडीशन में। जो मेरी माएँ बहनें कारोबार शुरू करना चाहती हैं, इस पर मेरा खर्चा हुआ है 220 रुपये, ये 4 किलो तैयार हुआ है, 150 रुपये किलो के हिसाब से सेल करें, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। अगर आप ज़्यादा लोकल की तरफ जाना चाहती हैं, जो पैकेट मिलते हैं 3 किलो के 4 किलो के और 350-400 के होते हैं, मेरे भाइयों वो फिर अलग से फार्मूला है, वो फिर वो जो फार्मूला है उसमें टमाटो का इस्तेमाल नहीं होता, वो एक अलग से सिस्टम है। अब ये देखें, इस तरह की बोतल ले लें, ये देखें, ये इस तरह, ये देखें, इसमें डालें, ये ले इस तरीके से इसमें डाल लें और यहाँ पे अपने जो किसी भी फूड का नाम लिखें, यहाँ पे उसको जो है ना लेबल लगाएं, यहाँ चिपकाएं और ये घर से तैयार शुदा कैचअप का कारोबार शुरू करें। पैकेटों में भी पैक होके ये जो है ना सेल हो रहा है। इस तरह की बोतल ले लें, इस तरह की बोतलों में आप जो है ना वो घर में इस्तेमाल करना है तो इस तरह की बोतलें, जो मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, कारोबारी हजरात जो सुन रही हैं, वो किसी बड़े कैन में, किसी बड़े जार में वो रख सकते हैं इसको। ये फ्रिज से बाहर रखेंगे आप, इसको फ्रिज के बाहर ख़राब नहीं होगा जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको मज़ीद जो जो आपको कैचअप हैं टमाटो कैचअप की, जो मज़ीद जो क्वालिटियाँ हैं, चिल्ली गार्लिक कैचअप है, स्वीट कैचअप है, जो है ना खाली गार्लिक कैचअप है, उसकी रेसिपियाँ अलग से हैं। मैं तमाम जितने भी कैचअप हैं इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, बिजनेस के हवाले से भी। जो लोग कमर्शियल तरीके से इसको कारोबार करना चाहते हैं वो नीचे नंबर पर हमारा रब्ता कर लें, फैक्ट्री वगैरह, हाँ फैक्ट्री वगैरह के हवाले से जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो फिर अलग उसकी एक रेसिपी है। ये मैंने आपको मुकम्मल तफसील इसकी बता दी। अगर आपको ये चीज़ मेरी कैचअप की रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और वो जो है ना मेरा फेसबुक पे पेज है बाबा फूड RRC के नाम से उसको लाइक कर दें। हमारी एक बहन है UAE से, मैंने पहले आपको बताया, फिज करीम के नाम से उन्होंने चैनल बनाया हुआ है, आप काइंडली वहाँ पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, उनके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। हमने ये जो सिस्टम शुरू किया हुआ है बेरोजगारी के खात्मे, ताकि इसी तरह चैन टू चैन मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का ताउन रहा, न्यू और जदीद रेसिपियों के साथ मैं आपके साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।